अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है कि फाइवर पे ऑर्डर किस तरह से डिलीवर करते हैं। मतलब एक बायर आपके पास आया, उसने आपको एक वर्क असाइन किया, टास्क असाइन किया, आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आपको वो डिलीवर करना है बायर को, तो वो किस तरह से डिलीवर करेंगे, उसका राइट वे क्या है। नॉर्मली लोग सिर्फ सिंपल डिलीवर नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं, जो कि एक राइट वे नहीं है और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रोफाइल्स बैन भी हो जाती है। मेरी खुद के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस ना हो। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर लाइव डिलीवर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑर्डर डिलीवर करना है। तो सिंपल यहाँ पे देखें, ये एक डिलीवर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे डिलीवर नाउ, हमारे पास एक पॉपअप विंडो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाती है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे थैंक्स लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, उसके बाद डिलीवर कर देते हैं। दिस इज़ नॉट अ राइट वे, मैं आपको बताऊँगा कि क्यों सही तरीका नहीं है और इसके फ़ायदे क्यों नहीं है, और जो मैं तरीका बताने लगा हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा। तो सिंपल आपका जो वर्क है, लेट्स सपोज मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, तो ये कंप्लीट मैंने एक बार लोड कर ली है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये कंप्लीट मैंने लोड करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सिर्फ फायरफॉक्स में ही होता है, तो मैं इस स्क्रीनशॉट पे सेव फुल पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास फुल पेज का स्क्रीनशॉट आ गया एक। ओके, उसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इस फाइल को अटैच करूँगा। यहाँ पे देखें, ये फाइल पे मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। अटैच करने से पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको रीनेम करना है। रीनेम के अंदर आपने क्या लिखना है, अपने जो भी आपकी सर्विस है उसके रेलिवेंट आपने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करना है, इन अदर वर्ड्स कीवर्ड स्टफ करना है, आप ऐसा कह सकते हैं। लाइक अब मेरी सर्विस है वर्डप्रेस, ये वाला जो ऑर्डर था वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिजाइनिंग एंड सो ऑन। इस तरह से आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स, जब तक ये ख़त्म नहीं होती इसकी लिमिट, आपने यहाँ पे कीवर्ड्स स्टफ करते जाना है अच्छे से कीवर्ड्स, ये आपको हेल्प करेगा रैंकिंग के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे ये मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद आपको एक फ़ाइल और, अगर कोई और फाइल्स हैं नेसेसरी तो आपने वो भी अटैच करनी है, जितनी भी फाइल्स हैं वो आपने अटैच करनी है यहाँ पे। और मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास आपके वर्क का एक स्क्रीनशॉट लाजमी होना चाहिए, जिस तरह से कोई भी वर्क हो आपका, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है आप एक JPG या PNG इमेज अटैच कर दें, आप अगर कोई आर्टिकल राइटर हैं तो अपने आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट लेके, आर्टिकल के कुछ हिस्से का स्क्रीनशॉट लेके आपने अटैच लाजमी करना है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे एक पिक्चर लाजमी आपने अटैच करनी है अपने वर्क से रिलेटेड। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, हेयर इज़ योर डिलीवरी, और इस पर क्लिक कर देना है क्विक फीडबैक। ये सबके लिए सेम होगा और ये तमाम के लिए इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपली कर देना है डिलीवर। इस तरह से आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। अब इमेज अटैच करने का क्या फ़ायदा हुआ, इमेज क्यों अटैच करनी चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ अपने गिग्स के अंदर, ये फाइवर का कोई इशू चल रहा है तो मे बी वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों का भी इस तरह से शो हो रहा होगा सबका, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपने सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इमेज अटैच करने का मैं क्यों कह रहा था। सिंपल यहाँ पे क्या करना है हमने, ओके जी, तो मैं पिक्चर अटैच करने का क्या क्यों कह रहा था, यहाँ पे मैं अपने गिग के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे देखें इस गिग के नीचे कुछ इस तरह के सैंपल्स अटैच हैं। यहाँ पे देखें, मतलब ये मेरे बायर्स के लिए शो होंगे, अगर वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, मेरे इस गिग को देखेंगे,
तो वो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे खुद ब खुद बनता जा रहा है क्योंकि मैं वो इमेजेस अटैच कर रहा हूँ। तो जब भी कोई बायर आएगा तो क्या होगा कि उसको ये सैंपल्स जब वो देखेगा वो कहेगा यार वाकई ये इस काम से वो इंस्पायर होगा, तो वो मुझे ऑर्डर देने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे उसके। तो इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो बनता रहता है अगर हम कोई भी पिक्चर डिलीवरी के टाइम अटैच कर दें साथ, तो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ भी शो हो रहे होते हैं हमारे डिफरेंट बायर्स के जिन्होंने अच्छे रिव्यूज़ किए होते हैं, तो ये बेसिकली बायर को फोर्स करता है कि इंस्पायर करता है कि वो हमें ही ऑर्डर दे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से राइट तरह से डिलीवर करना है हमें अपना ऑर्डर और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद आप वाकई में अपने फाइबर के ऊपर ग्रोथ देखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह की किसी अमेजिंग ट्रिक और अमेजिंग नॉलेज के साथ। मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।